जाकर को सामाजिक न्याय के प्रोधा महात्मा फुले को महिला सशक्तिकरण की साक्षात प्रतिमूर्ति सावित्रीबाई फुले को जन्म देकर के भारत को एक नए भारत की दिशा में अग्रसर करने का मार्गदर्शन दिया है और हिंदू धर्म रक्षक स्वराज के अभियान के नेतृत्वकर्ता छत्रपति संभाजी महाराज की इस पावन धरा को और जिस पावन धरा ने जिस पावन धरा ने स्वतंत्र भारत में भारत की स्वतंत्रता के लिए दो दो आजन्म कारावास की सजा सही ऐसे वीर सावरकर किस पावन धरा को नमन करता हूं। स्वतंत्र भारत में हिंदुत्व की ध्वजा पताका को सदैव जीवंत रखने वाले सरदेव बाला साहब ठाकरे को भी मैं नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं जब यहां पे आता हूं, यहां के बारे में सुनता हूं, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरा में जब इस देश में मुगलों का आतंक था, उनका वर्चस्व था, उस कालखंड में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। उस कालखंड में जब औरंगजेब हिंदुओं पर जजिया कर लगा रहा था और जो कर नहीं दे सकता था उसका जबरन मतांतरण करा रहा था, उस कालखंड में औरंगजेब के दंभ को चकनाचूर करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का झंडा बुलंद करने का काम किया था और हिंदुस्तान के माथे को गर्व के साथ ऊपर उठाने का कार्य किया था। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, मैं आश्चर्य होता है मुझे इस बात को लेकर के, मैंने सुना है कि कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष यहां आए थे और अपने संस्कारों के अनुरूप कह रहे थे कि राम कांग्रेस की सरकार आएगी तो राम मंदिर को धुलवाएगी। अरे यूपी की जनता तुम्हें उस लायक ही नहीं छोड़ेगी कि अयोध्या पहुंच भी पाओगे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत की 140 करोड़ लोगों की भावना का प्रतीक है। भारत के अंदर जब हमारा महाराष्ट्र देश के अंदर के सभी लोग मिलकर के मोदी जी के नेतृत्व में अपने वोट की कीमत को समझे हैं और मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व उन लोगों ने स्वीकार करके मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया, तब कांग्रेस के कलंक को समाप्त करते हुए मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है और आज तो अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। मैं तो अयोध्या से ही आया हूं, कल ही मैं अयोध्या था। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं अयोध्या जाता हूं। बहन और भाइयों, ये भारतवासियों के लिए इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है कि 500 वर्षों का इंतजार आज भारत के अंदर समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला फिर से अपनी जन्मभूमि में विराजमान हो गए, राम मंदिर का भव्य निर्माण हो गया है। जो लोग पहले कहते थे, ये कांग्रेस के लोग ही कहते थे ना, कि अयोध्या में अगर हिंदुओं के पक्ष में फैसला होगा तो दंगा हो जाएगा, यही कहते थे, धमकाते थे, खून की नदियां बह जाएंगी, भारत पे हमला हो जाएगा। इन लोगों को पता ही नहीं कि नया भारत है, ये नया भारत है, बोलता नहीं है करके दिखाता है।
छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। हमारा संकल्प था कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में कार सेवक आए थे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए। और मैं तो देख रहा था अपने राज्यसभा के हमारे माननीय सांसद श्री अजीत जी, ये तो 6 दिसंबर 1992 को भी वहीं थे, अयोध्या में ही थे। आज उनसे मुलाकात हो रही है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा कुछ सकल जान पहचान लगती है आपकी, तब उन्होंने कहा मैं भी 6 दिसंबर को अयोध्या में ही था। बहनों और भाइयों, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो राम मंदिर को तुलवाएंगे, रामलला इनको इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे कि इनकी सरकार आए, वो नौबत ही नहीं आने वाली है। 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए, 5वें चरण में आपको मतदान करना है बहनों और भाइयों। और मैं भी कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जो नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर है, एक ही स्वर है, और हर ओर से एक ही नारा गूंज रहा है, और वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार, अब की बार। तो जब ये नारा भाजपा के लोग, एनडीए के लोग लगाते हैं तो विपक्ष को लगता है कि उनके पैरों के नीचे की जमीन चली गई, वे पूछते हैं कैसे होगा, तो जनता से पूछते हैं तो जनता जनार्दन उन्हें क्या जवाब देती है, जनता जनार्दन भी जवाब देती है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, और मोदी जी राम को लाए हैं तो मोदी जी फिर से आएंगे, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया हूं, चुनाव के बहाने चंद्रशेखर बावन कोले जी मुझे यहां लेके आ गए, वैसे गालना में हमारा आश्रम है, हमारे मेरे गुरु भाई योगी बिलासनाथ जी वहां विराजमान होते हैं, और मैंने कई बार प्रयास किया, लेकिन बहनों और भाइयों इसी बहाने मैंने कहा चलो मैं चलता हूं, इस बार मैं जाऊंगा तो मालेगांव के अपने भाइयों को, धुलिया के अपने बंधुओं को, सबको मैं, बहनों और भाइयों को मैं आज अयोध्या में प्रभु राम लला के दर्शन करने के लिए आमंत्रण जरूर दूंगा। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आज भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ इस चुनाव में उतरी है। चुनाव हमारे लिए केवल सत्ता प्राप्त का साधन नहीं है, चुनाव हमारे लिए एक गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने का, एक वंचित को उसका अधिकार दिलाने का, एक नौजवान के हाथ को रोजगार उपलब्ध करवाने का, एक अन्नदाता किसान को उसका हक उपलब्ध कराने का, एक बेटी और एक बहन को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का, और भारत की विरासत को सम्मान दिलाते हुए विकास के पथ पर भारत को दुनिया के अंदर अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का है। ये चुनाव केवल सत्ता प्राप्त करेंगे जैसे कि कांग्रेस के लोग और इंडी गठबंधन कर रहा है कि जीतेंगे तो मिलके लूटेंगे, इनके लिए चुनाव क्या है, लूटने का एक माध्यम है, हमारे लिए चुनाव
जनता जनार्दन की खुशहाली के लिए और भारत को दुनिया की